चीन भारत के खिलाफ जो भी साजिश कर ले वो किसी भी हाल में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल में भारतीय सेना बहुत पहले से मुस्तैद है। चीन को जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है यांगसे से, तवांग से, वो इस वक्त यहाँ तवांग में कैसा दिख रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये तवांग है, यहाँ से यांगसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ऊपरी तवांग में यांगसे पड़ता है, जहां पर वो विवाद हुआ था, जहां पर चीन ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, दुस्साहस किया था और भारत ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया था। और भारत के इस मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन का हाल बेहाल है। हम यहां पर इस वक्त जहां खड़े हैं, ये तवांग का बिल्कुल सेंट्रल इलाका है, बिल्कुल तवांग टाउन में है हम, और यांगसे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको वहां ग्राउंड से रिपोर्ट दे सके। लेकिन ये आप जान लीजिए, तवांग में आने पर एक चीज जो सबसे ज्यादा महसूस होती है वो है भारतीय सेना का शौर्य, भारतीय सेना का दम। जब आप तवांग की तरफ बढ़ेंगे तो आपको उस रोड पर ही इतने मिलिट्री के, इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ट्रक्स दिखेंगे ताकि आपको दिख जाएगा कि बिल्कुल एडिकेट डिप्लॉयमेंट यहां पर इस वक्त भारतीय सेना का है, LAC के बिल्कुल नजदीक। और तवांग में झड़प के बाद इमरान भारतवर्ष आपको ग्राउंड जीरो से सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट दिखा रहा है लगातार। अब आपको लद्दाख के हॉट स्प्रिंग से संवाददाता कुमार कुंदन की रिपोर्ट दिखाते हैं। TV9 भारतवर्ष इस वक्त गलवान के रास्ते में है और हमारे सामने जो आप माइलस्टोन देख रहे हैं इसमें यह बता रहा है कि हॉट स्प्रिंग जो है महज यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, मतलब 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे हम लोग पहुँच जाएंगे सामरिक दृष्टिकोण से उस जगह पर जिस जगह पर आज से 30 महीने पहले चीनी सैनिकों ने अपना एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश की थी। लेकिन हम यहाँ कुछ और दिखा रहे हैं आपको, हम ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से सरकार ने इन जगहों पर पहुंचने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। आप जो ये सड़कें देख रही हैं, ये खूबसूरत सड़कें, ये वो सड़क है जो गलवान के बाद, जो पोस्ट गलवान एरा कहते हैं, उसमें जो है ये सारे के सारे तब्दीलियां आई हैं और ऑल वेदर रोड सरकार ने तैयार किया है। मसलन आप देखिए कि अभी जो मौसम है वो मौसम ठंड का आ गया है, जहाँ भी आपको नजर आएगी वहाँ वहाँ बर्फबारी हो रही है और पूरा का पूरा इलाका बर्फ से पटा हुआ है। लेकिन बावजूद इसके सड़क जो है वो इस तरह से बनाए गए हैं कि सड़क बिल्कुल सही रहे और किसी भी समय किसी भी तरीके के व्हीकल मूवमेंट में कोई परेशानी ना आए। तो ये जो ऑल वेदर सड़कें बनाई गई है उसका पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ऐसी जगह जहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुमकिन नहीं था पहले, अब नामुमकिन को मुमकिन किया जा रहा है और समय रहते और कम समय में वहां पहुंचने की कवायद चल रही है। कैमरामैन विजय ममगिन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, होब्राम गांव। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।